झूठे केस में फंसाने की धमकी देकर रिश्वत मांगता है पुलिस वाला। आईजी से ग्रामीणों ने की शिकायत। बिलासपुर जिले से खबर आ रही है, जहां बिलासपुर जिले में मल्हार चौकी थाना के एसआई शंकर गोस्वामी, दो से तीन अन्य साथी राजा देवांगन और शंकर ठाकुर द्वारा मिलकर अवैध वसूली करते पूरे गांव में तथा पैसे न देने पर किसी न किसी अपराध में फंसाने की धमकी देते हैं, जिसकी शिकायत करने पहुंचे आईजी बिलासपुर के पास धरना कर ग्रामीणों ने किया प्रदर्शन। आईजी ने कहा, इस मामले को पूरी तरह समझने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। यह है सभी तक न्यूज, सच की आवाज। सर, हम लोग आईजी के पास मिलने के आए हैं, क्योंकि हमारे भैया ना 3 दिन से बहुत प्रताड़ित है, हाँ थाना में रोक कर रखे हैं, क्योंकि 3 तारीख का घटना है, लेकिन अभी तक उनका कोई कार्यवाही नहीं किया गया है और वो 3 दिन से ऐसे बैठा है। अब पता नहीं क्या हो रहा उनके साथ, लेकिन अभी तक कुछ निर्णय किया नहीं गया है। और वो बाज़ार से आ रहा था, लेकिन बीच रास्ते में 2 लड़के ने रोक कर उनके साथ, एसआई साहब भी थे शंकर गोस्वामी, वो लोग पता नहीं मिलकर क्या किए हैं, लेकिन वहीं पर ना मारपीट हुआ है और ऐसा ही सर का सिर फट गया है। लेकिन हम लोग रिपोर्ट लिखाने के लिए गए थे अपने भैया के साथ में, तो मेरे ही भैया को अंदर में कर दिया है, लेकिन पता नहीं उसको मारा कौन है, लेकिन ना मेरे ही भैया को अंदर में 3 दिन से रिमांड में रखा गया, लेकिन अभी तक कुछ कार्यवाही किया नहीं गया है। मैं चाहता हूँ कि इसका जल्द से जल्द कार्यवाही किया जाए। अपना नाम बता। मेरा नाम संजय कुमार कंवरता है। अभी किसके पास आए? अभी आईजी के पास आए हैं।